हम जयपुर से खाटू श्याम जी के लिए जा रहे हैं और हम आपको पूरा रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको कहाँ से जाना है। आप देखेंगे तो ये बोर्ड आपको दिखाई देगा। आगे हमको चलना है और सीधे सीधे थोड़ा सा करीब यहाँ पे आपको दिखाई दे तो पुल, एक हम पुल चढ़ने वाले हैं, उस पुल को हमको नहीं चढ़ना है। देखिए वो पुल आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है खाटू श्याम जी 29 किलोमीटर। अगर आप सीधे सीधे जाते हैं तो आपको 29 किलोमीटर पड़ेगा और अगर आप मेरे बताए हुए इस रास्ते पे जाते हैं तो आपको केवल 19 किलोमीटर पड़ेगा। सीधा सीधा 10 किलोमीटर का आपको अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हमने यहाँ से थोड़ा सा बाई लाइन ले लिया है, बाई तरफ हम रोड पर चढ़ गए हैं और ऊपर जो है ऐसा नहीं ऊपर वाला रोड नहीं जाएगा, ऊपर वाला रोड भी आपको प्रॉपर उसी जगह पहुँच जाएगा। मगर हमने ये वाला रोड लिया है, आपको थोड़ा सा आगे जाके पुलिस थाना रिंगस दिखाई देने वाला है। आप पुल के नीचे देखेंगे तो ये बगल में आपको ये दिखाई देगा भैरवनाथ जी का मंदिर, उधर मौजूद है। हमको पुल के नीचे से निकलना है, ये लेंगे हम और उसके बाद में हम इधर की तरफ चलेंगे। देखिए कैगोट है और इधर लेफ्ट की तरफ घूमने वाले, हालांकि थोड़ा सा कच्चा रास्ता आपको मिलने वाला है मगर आप आराम से गाड़ी चलाएं अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो। और हम जो है जयपुर से आए हैं और जयपुर से जो है नज़दीक जो रास्ता पड़ेगा उसी रास्ते पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। इसी रोड पर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है, आपको यहाँ से मुड़ना है खाटू श्याम जी के लिए। आप देखिए हम जो है खाटू श्याम जी के लिए मुड़ चुके हैं, कहने का मतलब ये है कि हम फ्लाई ओवर के नीचे से जो है निकल कर जा रहे हैं। फ्लाई ओवर के नीचे से निकलने पर हमको केवल 19 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र बढ़ने वाला है। से हम निकल कर आ गए हैं कुछ जगह की कंफर्मेशन के लिए। आप यहाँ पर देख लें कि HP का पेट्रोल पंप आपको दिखाई देगा, HP का ये पेट्रोल पंप है वो आपको दिखाई देगा। उसके अलावा आपको थोड़ा सा आगे चलने पर यूनियन बैंक दिखाई देगी और आप इधर उधर देखेंगे तो ये लोकेशन आपको नज़र आ जाएगी और आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको खाटू श्याम जी कैसे पहुँचना है। देखिए इस रोड पर हम आगे आ गए और आपको दिखाना चाहें तो इसी रोड पर करीब 2 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आपको इस तरीके का बोर्ड जो है दिखाई देगा। देखिए इस तरीके का बोर्ड आपको दिखाई देगा और आपको जो है ऊपर ये फ्लाई ओवर है इसके ऊपर ऊपर आपको चलना है और इस पर भी चलने के बाद आपको लेफ्ट लेना है। आगे कहाँ से लेफ्ट लेना है ये मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए पूरा वीडियो आपको देखना है तब आपसे आप ईजिली जो है खाटू श्याम जी तक पहुँच जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हम आपको जल्दी से जल्दी और चीज़ें आपको समझा रहे हैं और आपका शायद समझ में आ जाएंगे क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे रोड हैं या बहुत सारे आपको टर्न लेने हैं, बहुत कम से कम टर्न आपको इस जगह पर लेने हैं और इस जगह आप इजीली जो है पहुँच जाएंगे। खाटू श्याम जी की महिमा अपने राजस्थान में ही नहीं देश विदेश तक फैली हुई है। ये देखिए अब हम जो है रेलवे स्टेशन के जस्ट ऊपर पहुँच चुके हैं और ये आप आसपास में देखेंगे तो रेलवे स्टेशन की है सुरक्षा के लिए जो है लगाई गई है रेलिंग लगाई गई है। आपको जो है यहाँ से टर्न लेना है, आपको देखिए साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि खाटू श्याम जी की व्यवस्था ये है। पैदल यात्री हैं और बाबा श्याम के निशान लेने चाहते हैं तो आप जैसे ही इस पुल को नीचे उतरेंगे आप आराम से जो है यहाँ से निशान खरीद पाएंगे। देखिए आप इस तरीके से दुकानें जो है आपको मिलने वाली हैं, इस तरीके से जो है निशान यहाँ पर आपको दुकानों के बाहर ही दिखाई दे जाएंगे। इस रोड पर करीब 14 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप जो है पहले खाटू श्याम जी का जो द्वार है जिसे जो है तोरण द्वार कहते हैं उस तोरण द्वार तक पहुँचेंगे और आप इस तरीके से ये जो है रोड लेने वाले हैं। हालांकि ये जो रोड है वो मेले के टाइम तक बंद कर दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, मगर जो है बाकी के जो है 11 महीने 11.5 महीने ये रोड सभी यात्रियों के लिए ओपन रहता है। तो हम हैं खाटू श्याम जी में पहुँच चुके हैं। खाटू श्याम जी का जो है आगे आप देख सकते हैं जिसे तोरण द्वार कहते हैं, तोरण द्वार हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर अधिकतर श्रद्धालु आकर फोटोज खिंचवाते हैं अपने और बाबा श्याम को यहीं से अरदास लगाते हैं और यहाँ पर माथा टेकते हैं और उनसे जो है अपनी मनोकामनाओं जो है उनसे मनोकामना मांगते हैं। चलिए हम आपको मंदिर की तरफ लेकर चलते हैं।
मंदिर के लिए आपको जो है दिखाई दे रहा होगा, मेरे यहाँ से लेफ्ट लेना है। देखिए यहाँ से लेफ्ट लेना, आपको पैदल पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी उधर से नहीं जाएगी, गाड़ी आपको इधर है। और बहुत सारी जगह है पार्किंग की, देखिए मैं आपको पार्किंग की जगह एक बार बता देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी पार्किंग लगाने में। देखिए इधर भी एक जो है पार्किंग की जगह है आगे थोड़ा सा, और ये खाटू श्याम जी का जो है खाटू जो है नगरी है जिससे हम सीधा वीडियो बना रहे हैं। श्रद्धालु रोज आते हैं और बाबा श्याम के चरणों में यहाँ पर जो है भोग लगाकर जाते हैं। खाटू श्याम जी का ये मार्केट है, मार्केट में हम पहुँच चुके हैं। आपको इस तरीके से कुछ जो है मार्केट दिखाई देने वाला है और यहाँ पर आप श्रद्धालुओं की भीड़ आसानी से देख पाएंगे। हालांकि आज जो है कम श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बट हमेशा इतनी भीड़ तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरीके से आपको इधर से रास्ते से जाना है और अभी हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं, सीधा जो है आपको लेकर चलेंगे मंदिर में। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।